नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरीके से करता है कुछ खास, तो इस समय लोग टीडीगल इंटर कॉलेज गोमती नगर में है, जहाँ पे बीइंग वन फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। एक क्विज कंपटीशन रखा गया था और एक ड्राइंग कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें लोगों को विनर बनाया गया और लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करे गए। तो दीपावली विशेष को लेकर के हर जगह पर हम आपको दिखा रहे क्या हो रहा है। वैसे दीपावली विशेष को लेकर बीइंग वन फाउंडेशन ने करा कुछ खास, टीडीगल इंटर कॉलेज के कुछ बच्चों को चुना गया जिन्होंने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया और विनर बने। तो उनसे हम बात करेंगे ड्राइंग कंपटीशन के बारे में। बीइंग वन फाउंडेशन की अध्यक्ष सलोनी केसरवानी जी से बात करेंगे कि यहाँ पे कौन विनर रहा, और जो बच्चे विनर रहे उनसे भी हम बात करेंगे दीपावली को लेकर कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, और दीपावली में ऐसा क्या करें कि दीपावली का त्यौहार और खास मने। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाजिया बानो। अच्छा नाजिया बानो, तो यहाँ कब से पढ़ रही है? हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो टी डी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आप जो पढ़ते हो, तो यहाँ पे हर त्यौहार में कुछ होता है खास, हर फेस्टिवल पे आप लोगों को एक शिक्षा दी जाती है, तो दीपावली को लेके क्या तैयारी कराई गई? यहाँ पे दीपावली के लिए तो हम लोगों के लिए पहले कहा गया कि पटाखे नहीं जलाना है, और दूसरी बात है कि रैली निकाली जाती हर साल। ये तो हम लोग का रूल है कि हर साल रैली निकालो, और जो पटाखे ज़्यादा जलाते हैं उनके लिए मना किया जाता है, और जो गरीब हैं उनको मतलब दिया, उनको घर पे दिया जलाई जाती है और उनके लिए मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं। इस बार क्या तैयारी है? इस बार यही तैयारियाँ हैं कि हमारे जो बड़े सर हैं वो गरीबों को जाके घर घर मिठाइयाँ बंटवाएँ और उनके घर में दिया या जलवाएँ। आपकी क्या तैयारी है? मेरी यही तैयारी है कि हम गरीबों को उनके घर पे रोशनी प्रकाश डाले, और जितनी मतलब जहाँ जहाँ अंधेरा है उनके पर उनके यहाँ रोशनी दिया जलाएँ। आज ड्राइंग कंपटीशन हुआ था तो आपने ड्राइंग बनाया? यस मैम। क्या बनाया था ड्राइंग में आपने? ड्राइंग में हम गणेश जी बनाए थे और दिया 3-4 जला दिए थे उसी में। अभी आपको ये प्राइस मिला है? यस मैम, प्राइस मिला है हमको। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा। अच्छा ये बताओ दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली क्योंकि जब राम जी यहाँ पे आए थे इसलिए दीपावली उत्सव मनाया जाता है। तो हमारे साथ में टी डी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक महादेव सर जी हैं। तो यहाँ पे आज बीइंग वन फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था ड्राइंग कंपटीशन को लेकर के, तो बहुत से बच्चे विनर हुए। तो दीपावली के लिए क्या तैयारी बच्चों से तो हमने बात करी है, साथ ही प्रबंधक जी से ही बात करेंगे दीपावली को लेकर। आपका स्वागत है मैडम। दीपावली हम लोगों का बड़ा फेमस त्यौहार है, और हम अपने बच्चों को लेकर के हर वर्ष दीपावली एक सप्ताह तक मनाते हैं। कभी थाल सज्जा, कभी रंगोली, कभी आदि आदि। एक दिन रैली निकालते हैं पटाखा विरोधी, जिसको समाज में एक मैसेज जाता है कि पटाखा नहीं जलाएंगे, और इन सबसे भी शपथ कराते हैं कि दीपावली में पटाखा नहीं जलाएंगे, मिठाई खिलाकर दिवाली मनाएंगे और मिट्टी के दीपक जलाएंगे, और कुछ फुलझड़िया उलझड़िया भले जला लें किसी को, बड़े बच्चों को तो वो भी मना कर देते हैं, कसम खिला देते हैं कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे। तो सर बच्चे बता रहे फॉलो करते हैं? निश्चित रूप से आप मेरी समझ से इसके पहले भी देखा होगा, हमारे बच्चों से आके पूछिए, एक भी बच्चे को कभी ना हाथ जला मिलेगा, ना कभी किसी को कोई चोट लगेगी दीपावली के बाद। अक्सर विद्यालयों में पटाखे दगा करके 2-4 बच्चे घायल जरूर हो जाते, लेकिन मेरे विद्यालय में एक भी बच्चा पटाखे दगाते नहीं हैं। जल्दी से मैं इतना समझा देता हूँ कि पटाखे क्यों नहीं दगाने चाहिए। पशु पक्षी डरते हैं, घर कुत्ता पला होगा वो भी डरता है, और खुद हम लोग कान बंद करते हैं, डरते हैं कि पटाखा दगाएंगे, और तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें तुम खुद डरो और अपने मस्ती अपने पैसे में आग लगाओ और खुश हो, इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है। लेकिन हमारे देश में पागलपन हो रहा है, तो हमारे बच्चों को मैं समझा देता हूँ कि ऐसा पागलपन मत करना कि अपने पैसे में आग लगाओ और खुश हो। तो आज जो बीइंग वन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे आर्ट कंपटीशन रखा गया था और बच्चे विनर भी हुए, तो उसके बाद बच्चे हमारे अभी कल बताया कि मुरादाबाद से बच्चे लौटे हैं, आर्यवीर दल में गए थे, वहाँ से भी बेस्ट प्रदर्शन और अनुशासन के मामले में एक शील्ड आई है, एक शील्ड मिली वो भी हमारे कॉलेज को मिली। तो बच्चे हमारे अनुशासन में रहते हैं और किसी भी प्रतियोगिता में तुरंत तैयार रहते हैं। जितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं हमसे कह दो तो हम तो इन बच्चों से हार जाते हैं, हम नहीं बना सकते, और हमारा कोई टीचर भी नहीं बना सकता जितना अच्छा हमारे बच्चे कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शानवी। शानवी। अच्छा ये बता दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान राम वापस आए थे। बहुत गुड। अच्छा आप बताइए दीपावली क्यों मनाते हैं?
क्योंकि राम जी वापस आए थे। आज कंपटीशन में भाग लिया था आपने? यस मैम। कैसा लगा प्राइज पाकर? मैम बहुत अच्छा। माय नेम इज रिया मौर्या। दीपावली क्यों मनाते हैं? मैम क्योंकि राम जी घर आते हैं, 14 साल के वनवास के बाद वापस आए थे। कैसे मनाओगी दीपावली? दिए जला के। आपका नाम क्या है बेटा? मानसी भारती। दीपावली क्यों मनाते हैं? राम भगवान वापस आए थे। दीपावली बेटा कैसे मनाओगे आप? मैम दिया से, दिया जला के और थोड़े बहुत पटाखे जला के। तो बेटा जी आपको फर्स्ट प्राइज मिला, क्या नाम है आपका? आरोही। आरोही, तो बेटा जी बताओ दीपावली क्यों मनाते हैं? भगवान राम वापस आए थे। अच्छा आपने ड्राइंग में क्या बनाया था दिखाओ जरा। अच्छा बहुत अच्छे ब्यूटीफुल है, आपने दिया बनाया, दिया के साथ आपने अनारी बनाया। तो आप ये बताओ दीपावली में क्या करोगी? मैम मैं होली मनाऊ। रंगोली बनाओगी? यस मैम। बहुत गुड, वेरी। तो यहाँ टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में हम लोग आए थे, जहाँ पर भीम वन फाउंडेशन के द्वारा रखा गया था आर्ट कंपटीशन, रखा गया था दीपावली को लेकर के। तो हमारे साथ में सलोनी केसरवानी जी भी है, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज यहाँ पे आई थी और कार्यक्रम जो किया गया तो उसके बारे में क्या कहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। मैं सलोनी केसरवानी, चेयरपर्सन ऑफ भीम वुमेन फाउंडेशन। आज टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में यहाँ पर आई हूँ गोमती नगर में। ये जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ प्राइमरी के, कुछ मिडिल स्कूल, कुछ सीनियर स्कूल के, और यहाँ पे मैंने सोचा कि एक दिवाली की खुशियों को शेयर करते हैं, बिकॉज़ मेरा मानना है कि फेस्टिवल वो होता है जो सबके साथ मिलजुल के मनाया जाए। तो मुझे यहाँ आने का एक अवसर मिला जहाँ पे बच्चों के साथ में ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, थीम था दिवाली, और कई खूबसूरत ड्राइंग, स्केचिंग और शेडिंग मुझे देखने को मिली। तो मुझे बहुत ही हार्दिक खुशी है देख करके कि बच्चों में इतना स्किल और टैलेंट है। दीपावली में तो आपने कुछ विशेष करा ही है कि बच्चों को आपने गिफ्ट दिया, प्राइज दिया, विनर रहा, तो विनर कितने लोगों रहे? 3 विनर्स थे, ऑब्वियसली हर कैटेगरी से एक विनर था। और देखिए विनर तो कोई ना कोई होगा ही, लेकिन सभी बच्चों के एफर्ट्स बहुत बहुत अच्छे थे, और विनर चुनना भी एक बहुत टफ काम था। फिर भी कुछ थीम्स को देखकर, उनकी इनोवेशन को देखकर हम लोगों ने विनर्स चुने, और सभी के लिए गिफ्ट्स भी थे। तो विनिंग इज़ जस्ट अ रीज़न टू सेलेक्ट अ विनर, बट सब विनर। ये तो मैम आपका एक योगदान है समाज के लिए, क्योंकि दीपावली हम लोग करते हैं कुछ खास। तो सलोनी केसरवानी जी ने भी दीपावली फेस्टिवल किया कुछ खास, टीटी गर्ल इंटर कॉलेज के बच्चों को प्राइज दे करके और उनको आर्ट कंपटीशन करा करके। तो हंगामा टाइम ऐसे ही आपको दिखा रहा है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है और दीपावली विशेष पर लोग क्या विशेष कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।